ओके, एट पॉइंट, एट पॉइंट इज सेंट्रल स्टडी। सेंट्रल स्टडी बाय ई, इट इज रेशियो ऑफ सी एंड ए, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, और ये एसेंट्रिसिटी ऑलवेज लेस देन वन आएगा। जब भी प्रॉब्लम में आपको ये आएगा कि फॉलोइंग एलिप्स के लिए आप एसेंट्रिसिटी फाइंड कीजिए, ठीक है, अगर ऐसे केस में आपका आंसर वन से ज्यादा या वन भी आता है ना, तो आप समझ जाइएगा कि आंसर आपका गलत है। ओके, बेटर टू से दिस, जीरो इज लेस देन ई, लेस देन वन। एसेंट्रिसिटी क्या है? इट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, नेगेटिव भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। एसेंट्रिसिटी जीरो भी नहीं होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। ओके, इट विल लाइ बिटवीन जीरो एंड वन। सेम पॉइंट यहां पे भी आएगा, ओके, एज इट इज सेम पॉइंट यहां पे भी आएगा। नाइन पॉइंट, ये क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, एट पॉइंट दोनों के लिए सेम है। नाइन पॉइंट, रिलेशन बिटवीन A, B and C is A square, it is equal to B square plus C square. Okay, and same will be here. Yahi point as it is, yahan pe bhi aayega. Relation between A, B and C is A square is equal to B square plus C square. Ye relation kaise aaya? Ye bhi humne kal dikha tha. Any doubt in this? No, sir. Is the screen visible? Okay, so this is a square is equal to b square plus c square. Now see this c e eccentricity. Eccentricity क्या है? It is c upon a. अगर यहां से हम c के लिए a e ले लें, अगर हम यहां से हम c के लिए a e ले ले, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c हियर वी गेट दिस a स्क्वायर, और ऐसे आप सिंपलीफाई करोगे तो ये आपको देगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट e स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस e स्क्वायर, यू गेट दिस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर, और बिल्कुल यही पॉइंट यहां पे भी आएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, इफ यू हैव एनी डाउट हियर प्लीज आस्क। यू गेट दिस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट वन माइनस ई स्क्वायर, एनी डाउट इन दिस? स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही बेटा, वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप उसमें भी देख सकते हो आपको। अच्छा, इससे पहले वो दिखाई दिया था रिलेशन, आपको पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वहां पे हमने सिंपली c को a e सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, वहां हमने सिंपली c को क्या किया? a e सब्स्टिट्यूट किया है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एलिमिनेटिंग c, हम c को हटा रहे हैं, उसके यहाँ पे एसेंट्रिसिटी e को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मींस वी आर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन a b एंड e, a सेमी मेजर एक्सिस, b सेमी माइनर एक्सिस एंड e एसेंट्रिसिटी, हमने इनमें रिलेशन किया और वो रिलेशन आ रहा है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर। ओके, We are getting this. अब ये रिलेशन हमने क्यों फाइंड किया है? बिकॉज आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अगर टेक्स्ट बुक्स देखोगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था वहां पर जो डेफिनेशन है वो इसेंट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दी हुई है। दो दिन पहले जब मैंने इलिप्स की डेफिनेशन बताई थी, मैंने सीबीएसई एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई थी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में जो है वो डेफिनेशन जो है वो इसेंट्रिसिटी के पॉइंट से दी जाती है, ठीक है, तो वहां पर वो रिलेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दिखाई नहीं देगी। इनफैक्ट आपको वहां पे ये रिलेशन दिखाई देगी ए बी एंड ई की केस में, सो बोथ ऑफ दीज रिलेशन आर वैलिड। ओके, क्लियर, बोथ ऑफ दीज रिलेशन आर वैलिड। यस, एनी डाउट इन दिस? ये हो गया नाइन्थ पॉइंट। नाउ सी द टेंथ पॉइंट, इलिप्स के केस में दो लेटस रेक्टम आते हैं। इन केस ऑफ इलिप्स देयर आर टू लेटस रेक्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेटस रेक्टम है क्या? कल बताया था
व्हाट इज लेटेस्ट रेक्टम? इट इज अ फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड मींस पासिंग फ्रॉम फोकस. ओके, फोकल कॉर्ड मींस पासिंग फ्रॉम फोकस. अब यहां पे F1, F2 दो फोकाए हैं, तो ऑब्वियसली फोकल कॉर्ड भी दो आ सकते हैं. ठीक है, वैसे तो बहुत आएंगे, बट फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस. ओके, फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस. तो यहां पे दो लेटेस्ट रेक्टम है. ओके, L1 L1 डैश एंड L2 L2 डैश. इसका डायग्राम ऑलरेडी आपके पास है, कल मैंने व्हाट्सएप पे फोटो शेयर किया था. आप चाहो तो एक बार वो डायग्राम फिर से देख लीजिए. ओके, दो तरह के लेटेस्ट रेक्टम है. नाउ इनके पॉइंट्स और इनका लेंथ क्या रहेगा वो देखिए. L1 L1 डैश एंड L2 L2 डैश आर द लेटेस्ट रेक्टम. L1 L1 डैश एंड L2 L2 डैश आर द लेटेस्ट रेक्टम. L1 पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स, ओके, x कोऑर्डिनेट जो है c और y कोऑर्डिनेट जो है ये आएगा b स्क्वायर अपॉन a. ओके, व्हेन यू कम टू L1 डैश, L1 डैश जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है. आप बता सकते हो इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? यस, इसका x कोऑर्डिनेट क्या आएगा बता सकते हो? ए. x कोऑर्डिनेट ए. ए कैसे आएगा बेटा? सी, अगर स्क्रीन ब्लर है तो आप कल व्हाट्सएप फोटो शेयर किया था वो देखिए. L1 का x कोऑर्डिनेट, L1 डैश का x कोऑर्डिनेट, यस. यस सर, L1 डैश L डैश का सी आएगा. सी आएगा. देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्क्रीन ब्लर है तो आप एक काम कीजिए, आप व्हाट्सएप पे जो फोटो शेयर किया है उस फोटो को देखिए. आपको तो फोटो में सिर्फ देख के आप बता सकते हो कि कैसा रहेगा. L1 L1 डैश क्या है? इट इज अ लेटेस्ट रेक्टम परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस. ठीक है, तो वो कहां से पास हो रहा है? F1 से पास हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट C0 है. तो ऑब्वियसली L1 और L1 डैश दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम आएगा C. अब आप मुझे इसका y कोऑर्डिनेट बता सकते हो? L1 का y कोऑर्डिनेट b स्क्वायर अपॉन a है, तो आप मुझे L1 डैश का y कोऑर्डिनेट बता सकते हो? माइनस b. यस, माइनस b स्क्वायर अपॉन a. माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा. देखिए हमने कल देखा था दैट इलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो जब हम इस कर्व को एक्स एक्सिस से फोल्ड करेंगे तो सीधे सीधे जो ऊपर का पॉइंट L1 है वो L1 डैश पे फॉल होगा, और इधर से जो L2 है वो L2 डैश पे फॉल करेगा. ओके, L1 विल फॉल ऑन L1 डैश एंड L2 विल फॉल ऑन L2 डैश. ओके, बिल्कुल ऐसा होगा. तो ये तो क्लियर है कि L1 L1 इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम आएगा, इट विल बी c. और जहां तक इनके y कोऑर्डिनेट्स की बात है वो मैग्नीट्यूड सेम होंगे, सिर्फ साइन उनका चेंज करेगा. बिल्कुल वैसे ही L2 L2 डैश में भी होगा. L2 L2 डैश इनका x कोऑर्डिनेट सेम होगा. कितना होगा? L2 का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? -c. वेरी गुड. और L2 डैश का भी x कोऑर्डिनेट माइनस सी आएगा. ठीक है, अब इसके y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ध्यान रखना, इलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. यस, b स्क्वायर पाई है, b स्क्वायर अपॉन
एल टू पॉइंट है कौन से क्वाड्रेंट में? माइनस क्यों? जैसे पूछा एल टू कौन से क्वाड्रेंट में, आपने माइनस कर दिया बेटा, माइनस क्यों होगा? सही था, बी स्क्वायर अपॉन ए। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव रहता है। अब एल टू डैश का बताइए। माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, माइनस बी स्क्वायर पाई है। वेरी गुड, ओके। और लेंथ ऑफ एल आर आएगा, लेंथ ऑफ लेट अस सेट टर्म, ये आएगा ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेट अस सेट टर्म टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ओके क्लियर। सो दिस इज अबाउट पॉइंट्स फॉर द लेट अस सेट टर्म। अब यहां पे सेकंड वाले जहां पे मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, इस केस में क्या होगा? एल वन, एल वन डैश डायग्राम में देखिएगा, इस बार L1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और L1 डैश कहां है बताइए? सेकंड क्वाड्रेंट। यस, जो पहला डायग्राम था उसमें लेटेस्ट रेक्टम जो L1 L1 डैश है ना, वो y एक्सिस को पैरेलल है, लेकिन अब जो सेकंड डायग्राम है जिसमें मेजर एक्सिस अलोंग x एक्स y एक्सिस आ रहा है, वहां पे लेटेस्ट रेक्टम पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो L1 इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड L2 L1 डैश इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। वैसे ही L2, L2 कहां पे है, कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। और L2 डैश थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब ये बताइए जो L1 L1 डैश है, L1 L1 डैश में कौन सा कोऑर्डिनेट, मतलब इन पॉइंट्स में कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा? कोऑर्डिनेट। वेरी गुड, और वो क्या होगा? सी। सी, वेरी गुड। एल वन एल वन डैश में वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा और वो सी होगा, क्यों? क्योंकि वो फोकल कॉर्ड है, एफ वन फोकस से पास हो रहा है, ठीक है, जीरो सी से, इसलिए इनका वाई कोऑर्डिनेट सेम आएगा। और जहां तक एक्स कोऑर्डिनेट की बात है, एल वन में ये आएगा बी स्क्वायर बाय ए और ये आएगा माइनस b square by a, okay? वैसे ही L2 और L2 dash, अभी आप मुझे डायरेक्टली पूरा ही बता सकते हो क्या आएगा। L2 आप मुझे क्या आएगा? L2 dash पूरा बता सकते हो क्या आएगा? Yes? Because curve is symmetric about both the coordinate axes, इसलिए आप इजीली बता सकते हो अभी कि L2 के coordinates क्या आएंगे और L2 dash के coordinates क्या आएंगे। अच्छा ये बताइए L2 और L2 डैश में अगेन कौन सा कोऑर्डिनेट सेम आएगा और कितना होगा? माइनस वाई, माइनस सी। कौन सा? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये बताइए यदि हम इसे सेकंड वाले लिप्स को ही यदि हम एक्स एक्सिस से फोल्ड करते हैं तो L1 किसके ऊपर फॉल करेगा? L2 के ऊपर। L2 के ऊपर, मतलब इन दोनों का कौन सा क्वाड्रेंट से कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा? x कोऑर्डिनेट। अब L1 का x कोऑर्डिनेट क्या था? b स्क्वायर अपॉन, बस वही यहां पे आएगा, ये आएगा b स्क्वायर अपॉन a और इधर माइनस b स्क्वायर अपॉन a। मतलब L2 पॉइंट में आपको मिलेगा b स्क्वायर अपॉन x कोऑर्डिनेट कॉमा माइनस c y कोऑर्डिनेट और L2 डैश में माइनस b स्क्वायर अपॉन x कोऑर्डिनेट एंड माइनस c y कोऑर्डिनेट। ओके, लेंथ ऑफ LR अगेन सेम, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम जो है वो आएगा ट्वाइस b स्क्वायर बाय a। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट फॉर द लेटस रेक्टम। ओके, यस, एनी डाउट इन दिस? No, sir. No, sir. Any doubt in this?
ओके मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट 11th पॉइंट डायग्राम में आप देख सकते हो मैंने दोनों डायग्राम में एक पॉइंट लिया है पी एक्स वन वाई वन ओके यू कैन सी द पॉइंट पी एक्स वन वाई वन डायग्राम अब ये पॉइंट क्यों लिया हुआ है वो 11th पॉइंट में आपको दिखाई देगा 11th पॉइंट ओके फॉर एनी पॉइंट पी एक्स वन वाई वन वैसे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हमने दिए एक्स वन वाई वन ये नहीं दिए तो भी चलेगा ओके फॉर एनी पॉइंट पी एक्स वन वाई वन on ellipse f1p plus f2p this is equal to twice a same दोनों जगह same रहेगा for any point px1 y1 on ellipse f1p plus f2p is equal to 2a और यही point नेक्स्ट वाले इलिप्स में पुट अप करोगे ओके अब देखिए हम आते हैं फिर से इलिप्स की डेफिनेशन पे इलिप्स की डेफिनेशन क्या थी सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन सम ऑफ हूज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कांस्टेंट यस ओके इलिप्स की डेफिनेशन इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट sum of their distances from points is always constant okay aur ye do fixed point kya the foci okay means f1p plus f2p it is equal to constant ab ye constant kya hota hai ye constant hota hai 2a means major axis okay length of major axis to yahan se 12th point aayega in the definition of ellipse the sum of distances is constant and it is 2a that is length of major axis ठीक है हमने जो ellipse की definition में देखा था ना that direction of points in a plane such that The sum of distances from two fixed points is constant. तो वो जो constant होता है, that constant is nothing but 2a, length of major axis. Okay?